हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू एज गुरु। और आज हम लोग इस वीडियो में करेंट अफेयर्स अर्धवार्षिकांक का फरवरी 2019 के टॉप 105 प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी? सही उत्तर ऑप्शन डी, हिना जायसवाल। 6 फरवरी 2019 को किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? दूसरा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंकोइस लोबार्ड। ये पश्चिम बंगाल में पादरी हैं। किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच में भारत की ओर से 24 गेंदों में सबसे तेज अर्धशतक बनाया? तीसरा का सही उत्तर ऑप्शन सी, स्मृति मंधाना। 6 फरवरी 2019 को महिला जननांग विकृति मतलब FMG हेतु अंतर्राष्ट्रीय शून्य सहिष्णुता दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? चौथा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, महिला जननांग विकृति की समाप्ति। 9वीं सीनियर नेशनल हॉकी चैंपियनशिप डिवीजन ए का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड। वर्ष 2022 में मेघालय में होने वाले राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर किसे चुना गया है? मस्कट किसे चुना गया है? छठा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेंदुआ को, क्लाउडेड तेंदुआ। फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? सातवां का सही उत्तर ऑप्शन बी, रोहित शर्मा। आठवां प्रश्न है, वर्ष 2019 में किसे एक वर्ष के लिए अफ्रीकन यूनियन का नया अध्यक्ष चुना गया है? आठवां का सही उत्तर ऑप्शन बी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सिसी को। फरवरी 2019 में संपन्न राष्ट्रीय बिलियर्ड्स एवं स्नूकर चैंपियनशिप में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता? नौवां का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस श्रीकृष्णा ने। 11 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी ने अक्षय पात्र फाउंडेशन द्वारा मिड डे मील के तहत 300 करोड़वीं थाली कहां पर परोसी? दसवां का सही उत्तर ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश के वृंदावन स्थित चंद्रोदय मंदिर में। चीन की स्पोर्ट कंपनी ली निंग ने किस भारतीय शटलर मतलब बैडमिंटन खिलाड़ी के साथ 50 करोड़ का 4 वर्षीय अनुबंध किया है? 11 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। खेल पत्रिका स्पोर्ट्स स्टार द्वारा प्रदत्त स्पोर्ट्स स्टार एस अवार्ड 2019 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? 12 का सही उत्तर ऑप्शन सी, प्रकाश पादुकोण, बैडमिंटन खिलाड़ी थे। 15 फरवरी 2019 को भुवनेश्वर में संपन्न हीरो महिला गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट किसने जीता? 13 का सही उत्तर ऑप्शन सी, म्यांमार ने। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा 5 फरवरी 2019 को जारी डिजिटल सिविलिटी इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है? 5 फरवरी को सुरक्षित इंटरनेट दिवस भी मनाया जाता है। 14 का सही उत्तर ऑप्शन डी, 7वीं रैंक। नई इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 के अनुसार 2025 तक देश में कितने मोबाइल हैंडसेट के उत्पादन का लक्ष्य है? 15 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 करोड़। अर्स्ट एंड यंग के उद्योग व्यवहार जगत के वर्ष 2018 के पुरस्कारों के तहत बेस्ट उद्यमी का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 16 का सही उत्तर ऑप्शन ए, आयशर मोटर्स के सिद्धार्थ लाल को। वरिष्ठ बैंकर रवनीत सिंह गिल निजी क्षेत्र के किस बैंक के
CMD 2019 में बनाए गए हैं। 17 का सही उत्तर ऑप्शन सी यस बैंक। यस बैंक भारत का एक उभरता हुआ बैंक है। निम्न में से किस फिल्म को सर्वाधिक ऑस्कर इस वर्ष प्राप्त हुए हैं? सबसे ज्यादा ऑस्कर किस फिल्म को मिला? ऑप्शन बी बोहेमियन रैप्सोडी, 4 ऑस्कर मिला है। रामी मलिक को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार ऑस्कर 2019 में किस फिल्म के लिए मिला? 19 का सही उत्तर ऑप्शन बी बोहेमियन रैप्सोडी। अमेरिकी अभिनेत्री ओलिविया कॉलमैन को बेस्ट अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार किस फिल्म के लिए मिला? 20 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी द फेवरेट। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अद्यतन आंकड़ों के अनुसार 2017-18 के दौरान देश में GVA में उद्योगों का योगदान कितने प्रतिशत रहा? GVA मीन्स सकल मूल्य संवर्धन। 21 का सही उत्तर ऑप्शन बी 27%। तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 20 फरवरी 2019 को भारत सरकार की ओर से किस देश का प्रतिष्ठित पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ सिविल मेरिट ग्रहण किया? 22 का सही उत्तर ऑप्शन बी स्पेन का। विश्व बैंक ने 21 फरवरी 2019 को निम्न में से किस भारतीय बैंक के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों को ऋण की सुविधा देने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तेईस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी CDB के साथ, मतलब लघु उद्योग विकास बैंक के साथ। हाल ही में विश्व बैंक ने CDB और संयुक्त राष्ट्र की महिलाओं के लिए काम करने वाली एक संस्था UN वुमन, इन दोनों ने वित्तीय प्रबंधन फर्मों और प्रमुख कॉरपोरेट्स के साथ मिलकर ग्रामीण महिला उद्यमियों के लिए ऋण प्रदान करने हेतु सामाजिक प्रभाव बॉन्ड शुरू करने की घोषणा की है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे BCCI का लोकपाल नियुक्त किया है? 24 का सही उत्तर ऑप्शन बी DK जैन। केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली द्वारा 22 फरवरी 2019 को जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने लोग धातु से प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं? 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 4 करोड़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का शुभारंभ कहां से किया गया, जिसकी घोषणा अंतरिम बजट में की गई थी? 26 का सही उत्तर ऑप्शन सी गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। अफगानिस्तान ने 26 फरवरी 2019 को चाबहार बंदरगाह से भारत को निर्यात करना शुरू कर दिया। चाबहार बंदरगाह किस देश में है? 27 का सही उत्तर ऑप्शन बी ईरान में। भारतीय वायुसेना ने 26 फरवरी 2019 को किस भारतीय फाइटर जेट के द्वारा एलो स्वीपर, मतलब पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकाने पर हमला किया? 28 का सही उत्तर ऑप्शन सी मिराज 2000। निम्न में से किस देश के खिलाड़ी ने 27 फरवरी 2019 को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 500 छक्के लगाने का कीर्तिमान स्थापित किया? ऑप्शन बी वेस्टइंडीज के क्रिस गेल ने। केंद्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कानपुर और किस शहर को मेट्रो रेल परियोजना की मंजूरी प्रदान की गई है, मतलब कानपुर से किस शहर को जोड़ा जा रहा है मेट्रो रेल के द्वारा? 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी आगरा। 28 फरवरी 2019 को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया? 16, 17 और 18 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कारों की घोषणा की गई है। 31 का सही उत्तर ऑप्शन ए 2016 में के लिए दिया गया डॉक्टर ऋषिकेश नारायण को। 2016 के लिए 11 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, जिसमें कि डॉक्टर ऋषिकेश नारायण भी है, डॉक्टर अमलेंदु कृष्णा है। 2017 के लिए 10 वैज्ञानिकों का चयन किया गया है, जिसमें कि डॉक्टर दीपक गौर है मुख्य और डॉक्टर एस सुरेश बाबू। 2018 के लिए 13 वैज्ञानिकों का चयन हुआ है, जिसमें कि मुख्य वैज्ञानिक है डॉक्टर अमित कुमार और डॉक्टर नितिन सक्सेना।
32वां प्रश्न है, 28 फरवरी 2029 को भारत की तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने किस जगह पर सम्मानित अतिथि के रूप में OIC के सम्मेलन में भाग लिया। OIC मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। 32 का सही उत्तर ऑप्शन बी, अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात। 28 फरवरी 2019 को मंजूर की गई परियोजना G1 का संबंध किससे है। तैंतीस का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बायो एथेनॉल परियोजना से। G1 का फुल फॉर्म है जैव ईंधन वातावरण अनुकूल फसल अवशेष निर्वाण योजना। 34वां प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने 2019 को जल वर्ष घोषित किया है। 34 का सही उत्तर ऑप्शन सी, कर्नाटक ने। बेंगलुरु स्थित सेमीकंडक्टर कंपनी द्वारा 4G LTE और 5G NR मॉडम्स के लिए भारत के प्रथम स्वदेशी तकनीक से निर्मित सेमीकंडक्टर चिप्स को जारी किया गया। 35 का सही उत्तर ऑप्शन ए, सिग्नल चिप द्वारा। 13वां अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस सम्मेलन पेट्रोटेक 2019 किस स्थान पर आयोजित किया गया। 36 का सही उत्तर ऑप्शन डी, ग्रेटर नोएडा में। मानव संसाधन मंत्रालय ने मिथिलाक्षर लिपि के संरक्षण हेतु किस स्थान पर पांडुलिपि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। मिथिलाक्षर लिपि। 37 का सही उत्तर ऑप्शन सी, दरभंगा में। किस भारतीय इतिहासकार को इसराइल के प्रतिष्ठित डेन डेविड पुरस्कार के लिए चुना गया है। 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, संजय सुब्रमण्यम। अनिवासी भारतीय विवाह पंजीकरण विधेयक 2019 के अनुसार किसी अनिवासी भारतीयों को कितने दिन के भीतर शादी का पंजीकरण कराना अनिवार्य है। 39 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 30 दिनों के अंदर। कौन सा खिलाड़ी टेबल टेनिस पुरुषों की एकल टेनिस रैंकिंग में टॉप 100 में शामिल होने वाला तीसरा भारतीय बन गया है। सही उत्तर ऑप्शन है प्रजनेश गुन्नेश्वरन। इससे पहले जो बनने वाले हैं वो सोमदेव देव बर्मन और यूकी भांबड़ी। परमाणु टेक 2019 सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया। 41 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। किस देश ने फरवरी 2019 में हिंदी को कोर्ट की तीसरी भाषा के रूप में मान्यता दी है। ऑप्शन डी, UAE ने। अबू धाबी न्यायिक विभाग ने अरबी और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को शहर की अदालत में बोली जाने वाली तीसरी आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दे दी है। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय लोगों की संख्या 26 लाख है, जो देश की कुल आबादी का 30% है और यह देश का सबसे बड़ा प्रवासी समुदाय है। 9 फरवरी 2019 को किस स्थान पर कृषि कुंभ का आयोजन किया गया। ऑप्शन ए, गांधी मैदान मोतिहारी पूर्वी चंपारण में। इसका उद्घाटन किया बिहार के राज्यपाल लालजी टंडन और केंद्रीय कृषि मंत्री उस समय के राधा मोहन सिंह ने, और यह 3 दिनों तक चला, 9 से 11 फरवरी। भारत से किस देश ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस GSP नामक वाणिज्य की नीति को समाप्त करने की घोषणा की है। ऑप्शन सी, अमेरिका। GSP क्या है। GSP जो है एक अमेरिकी व्यापार कार्यक्रम है जो विकासशील देशों के उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री देता है। इसका अर्थ हुआ कि अमेरिका में GSP कार्यक्रम में शामिल देशों को विशेष तरहीज दी जाती है। अमेरिका उन देशों से एक तय राशि के आयात पर शुल्क नहीं लेता है। इस नीति को 129 विकासशील देशों के लगभग 4800 उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री एंट्री देता है। भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी ट्रेन 18 का नाम बदलकर क्या रखा गया है। ऑप्शन ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। इसे दिल्ली से वाराणसी के बीच में पहली बार चलाया गया। पाकिस्तान में सिविल जज नियुक्त होने वाली पहली हिंदू महिला कौन बनी है। ऑप्शन ए, सुमन कुमारी। यूरोप की एरियन स्पेस कंपनी के 5VA247 लॉन्च व्हीकल के जरिए फ्रेंच गुआना के कोरो स्थित
प्रक्षेपण केंद्र से किस 40वें संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? 47 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, GSAT-31। एयरो इंडिया 2019 में भीषण दुर्घटना हुई, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? 48 का सही उत्तर ऑप्शन ए, बेंगलुरु में। 49 है, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न युद्धों में अपने प्राणों की आहुति देने वाले जवानों की स्मृति में कहां बने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक को पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया? 49 का सही उत्तर ऑप्शन है, दिल्ली के इंडिया गेट के पास। लगभग 26,000 जवानों के नाम यहां पर अंकित हैं। फरवरी 2019 में किस एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? 50 का सही उत्तर ऑप्शन डी, हेलिना। हाल ही में जम्मू कश्मीर का तीसरा मंडल कौन बना? 51 का सही उत्तर ऑप्शन सी, लद्दाख। किस आतंकी संगठन पर लगे प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 52 का सही उत्तर ऑप्शन बी, सिमी। पुलवामा हमले के बाद जम्मू और कश्मीर के तहरीक उल मुजाहिदीन और जमात इस्लामी पर किस एक्ट के तहत प्रतिबंध लगाया गया? 53 का सही उत्तर ऑप्शन सी, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, UAPA। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान कितने समझौतों पर हस्ताक्षर हुए? 54 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 6 समझौतों पर। वर्ष 2018 का सियोल शांति पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए, नरेंद्र मोदी को। फरवरी 2019 में सऊदी अरब के युवराज और उप प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए युवराज का नाम क्या है? 56 का सही उत्तर ऑप्शन ए, मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद। इन सभी प्रश्नों का डिस्क्रिप्शन नीचे में दिया गया है। फरवरी 2019 में भारत की यात्रा पर आने वाले अर्जेंटीना के राष्ट्रपति का नाम क्या है? 57 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉरिसियो मैक्री। डोनाल्ड ट्रंप किम जोंग उन की दूसरी शिखर वार्ता 27-28 फरवरी 2019 को कहां पर बेनतीजा समाप्त हुई? 58 का सही उत्तर ऑप्शन बी, हनोई वियतनाम में। पहली वार्ता हुई थी सिंगापुर में। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? 59 का सही उत्तर ऑप्शन बी, अमेरिका के डेविड मालपास। फरवरी 2019 में किस देश में आपातकाल की घोषणा की गई? 60 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका, मैक्सिको के साथ सीमा पर दीवार बनाने के संबंध में। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना? 61 का सही उत्तर ऑप्शन डी, नॉर्थ मैसिडोनिया। विश्व के दूसरे सबसे छोटे देश के राष्ट्राध्यक्ष प्रिंस अल्बर्ट द्वितीय 4-10 फरवरी 2019 को भारत की यात्रा पर आए उस देश का नाम क्या है? 62 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोनाको। और सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी। 2018 के दौरान विदेशी पर्यटक आगमन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 63 का सही उत्तर ऑप्शन ए, 5.2%। लगभग 1 करोड़ पर्यटक भारत आए 2018 के दौरान। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2019 में भारत का स्थान क्या है? 64 का सही उत्तर ऑप्शन सी, 36वां स्थान। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2018 जो कि 2019 में जारी किया गया, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? 65 का सही उत्तर ऑप्शन बी, 78वां। किसको बढ़ावा देने के लिए फेम इंडिया योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है? 66 का सही उत्तर ऑप्शन ए, इलेक्ट्रिक वाहनों के विनिर्माण और इस्तेमाल को। भारतीय रेलवे का 18वां नया जोन कौन बना है? 67 का सही उत्तर ऑप्शन ए, दक्षिण तटीय रेलवे। 68 है, 15वें वित्त आयोग के नए सदस्य कौन बनाए गए हैं? ऑप्शन सी, अजय कुमार झा। अध्यक्ष हैं एनके सिंह जो कि बिहार के हैं।
हाल ही में किस बैंक की समस्त इक्विटी मतलब कि शेयर का सरकार के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया? 69 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय आवास बैंक। फरवरी से लागू राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 ने किस नीति का स्थान लिया? 70 का सही उत्तर ऑप्शन ए, राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2012 का। राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट नीति 2019 के तहत कितने करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया है? 71 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1500 करोड़। 61वें ग्रैमी अवार्ड 2019 में बेस्ट रैप एल्बम का अवार्ड जीतने वाली पहली सोलो महिला कलाकार कौन है? 72 का सही उत्तर ऑप्शन ए, कार्डी बी। बिजनेस स्टैंडर्ड के उद्योग विभाग जगत के पुरस्कार 2018 के तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन बी, आदि गोदरेज। ऑस्टन यंग का 2018 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला है? 74 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विप्रो के अजीम प्रेम जी को। 75 है, 69वां बर्लिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2019 में गोल्डन बियर का पुरस्कार इजरायली निर्देशक नादव लिपिड को किस फिल्म के लिए मिला? 75 का सही उत्तर ऑप्शन ए, साइनोनिम्स। बाफ्टा पुरस्कार 2019 किस फिल्म को प्रदान किया गया है? 76 का सही उत्तर ऑप्शन सी, रोमा। ऑस्कर पुरस्कार 2019 किस फिल्म को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए, ग्रीन बुक। 78वां प्रश्न है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को होने वाली समस्या और सैनिटरी नैपकिन्स की अनुलब्धता पर आधारित शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर 2019 अवार्ड मिला है या आधारित है? 78 का सही उत्तर ऑप्शन डी, हापुड़ की लड़कियों पर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में बेस्ट पुरुष खिलाड़ी और बेस्ट महिला खिलाड़ी का अवार्ड क्रमशः किसे मिला है? 79 का सही उत्तर ऑप्शन बी, नोवाक जोकोविच और सिमोन बाइल्स। 4 फरवरी 2019 को मनाया गया विश्व कैंसर दिवस का थीम क्या था? 80 का सही उत्तर ऑप्शन ए, आई एम एंड आई बिल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? इक्यासी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है न कि 14 फरवरी को। बाकी सब सही है। इंटरनेट सुरक्षा दिवस 5 फरवरी, नेशनल डी वर्मिंग डे 10 फरवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी और राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस 12 फरवरी। पुस्तक वर्टूस इन आर्डूस आई डिड इट माई वे के लेखक कौन है? 82 का सही उत्तर ऑप्शन सी, पार्थ सारथी शोम। सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 में पुरुष वर्ग और महिला वर्ग के विजेता क्रमशः रहे? ऑप्शन बी, सौरभ वर्मा और साइना नेहवाल। हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नए एम्स खोलने की मंजूरी प्रदान की गई है? 84 का सही उत्तर ऑप्शन डी, रेवाड़ी। उड़ीसा के बालासोर जिले में सुवर्ण रेखा बंदरगाह का शिलान्यास किसने किया? ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। हाल ही में किस अभिनेत्री का मोम का पुतला न्यूयॉर्क सिटी स्थित मैडम तुसाद के संग्रहालय में स्थापित किया गया? 86 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रियंका चोपड़ा। ईरानी ट्रॉफी और रणजी ट्रॉफी 2018-19 की विजेता टीम कौन रही? ऑप्शन डी, विदर्भ। वंदे भारत एक्सप्रेस का परिचालन 15 फरवरी 2019 से कहां के बीच में शुरू हुआ? 88 का सही उत्तर ऑप्शन बी, दिल्ली से वाराणसी के बीच में। अमेरिकी वैज्ञानिक प्रोफेसर वालास स्मिथ ब्रोकर का फरवरी 2019 में निधन हो गया, उन्होंने कौन सा शब्द दिया था?
नवासी का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बहुत ही फेमस शब्द ग्लोबल वार्मिंग, जिससे आज पूरी दुनिया परेशान है। सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह कहाँ के नए राजा बने हैं? 90 का सही उत्तर ऑप्शन ए मलेशिया, उन्हें सुल्तान ऑफ पहांग भी कहा जाता है। यूएई का पहला शेख शौद अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? 91 का सही उत्तर ऑप्शन ए वैज्ञानिक सीएनआर राव को। 200 या उससे अधिक एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी? बानवे का सही उत्तर ऑप्शन डी मिताली राज। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 73वां सदस्य देश कौन बना? 93 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी सऊदी अरब। यह गठबंधन भारत के द्वारा शुरू किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु 16 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में किस एकल पैन इंडिया नंबर को लॉन्च किया गया है? 94 का सही उत्तर ऑप्शन बी 112 नंबर। किस राज्य ने संस्कृत को दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान करने वाला विधेयक पारित किया है? 95 का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश। लेडीज पोर्टल किससे संबंधित है? 96 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। लेडीज का फुल फॉर्म है लिस्ट अवेलेबल डेप्थ इंफॉर्मेशन सिस्टम। notonix.org अभियान किससे संबंधित है? संतानवे का सही उत्तर ऑप्शन ए नाभिकीय खतरे के प्रति जागरूकता फैलाने से। किस देश की सरकार द्वारा गन्ने के रस को राष्ट्रीय ड्रिंक घोषित किया गया है? 98 का सही उत्तर ऑप्शन बी पाकिस्तान में। उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के अनुसार बंदी हाथियों के पहले सर्वेक्षण में किस राज्य में बंदी हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? 99 का सही उत्तर ऑप्शन ए असम में। और भारत में बंदी हाथियों की संख्या 2454 मतलब 2454। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और महात्मा बुद्ध से जुड़े प्रमुख स्थानों के भ्रमण हेतु एक विशेष पर्यटक ट्रेन समानता एक्सप्रेस कहां से शुरू की जाएगी? 100 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नागपुर से। झारखंड राज्य का पहला महिला विश्वविद्यालय कहां स्थापित किया जा रहा है? एक सौ एक का सही उत्तर ऑप्शन सी सिद्धगोड़ा में। और इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। विश्वविद्यालय का नाम है जमशेदपुर वीमेंस यूनिवर्सिटी। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी एक सर्वेक्षण के अनुसार बजटीय कार्य प्रणाली में किस राज्य को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? 102 का सही उत्तर ऑप्शन ए असम में। किस राज्य में विश्व विरासत केंद्र स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल में इस्कॉन के द्वारा, इस्कॉन टेंपल। 1 से 17 फरवरी 2019 के मध्य आयोजित किए गए 33वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का साझीदार देश कौन रहा? 104 का सही उत्तर ऑप्शन ए थाईलैंड। और थीम राज्य था महाराष्ट्र। 105 है प्रमुख नियुक्ति के संबंध में कौन सा जोड़ा गलत सुमेलित है? 105 का सही उत्तर ऑप्शन बी आईसीसी के सीईओ हैं मनु साहनी। तो इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।